नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से पहले गुजरात की टॉप मेडिकल कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बता चुके हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे भावनगर की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में कि उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रहने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कॉलेज की सीट मेथड के बारे में। तो टोटल इस कॉलेज में जो MBBS की सीट है वो 215 है, ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है वो 38 है और स्टेट कोटा की जो सीटें है वो 212 सीट इसमें है। अब बात करते हैं इस कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। जनरल की बात कर दे तो 595 से 600 है, OBC का है 595 से 600 है और SC का है 485 से 419 तक है और ST का है 416 टू 465 रह सकता है। तो दोस्तों, ये डिटेल थी जो ऑल इंडिया कोटा से जो बिलोंग करते हैं उसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में ये डिटेल थी। अब आगे बात करते हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, जो स्टेट कोटा से बिलोंग करते हैं उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। अगर स्टेट कोटा से जो बिलोंग करते हैं उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, उसके लिए अगर बात करें तो जनरली में 505 टू 510 है, EWS में 505 टू 510 है, SC में 415 टू 455 है, SC में है वो 425 टू 413 है और ST में जो है वो 213 से 235 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उसके लिए इतना रह सकता है। दोस्तों, इस कॉलेज में लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा गया था लेकिन इस बार बहुत ही कम जाने वाला है कट ऑफ, तो लेकिन आपका जो टारगेट है वो ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये थी भावनगर की मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो गुजरात की लास्ट कॉलेज थी जो 7 पोजीशन पर आती है। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।